हेलो एंड वेलकम टू लॉ पाइप डेली न्यूज पेपर एनालिसिस से बात करते हैं आज की न्यूज दैट लेट अस फर्स्ट रिकॉल द लास्ट वन स्वनिधि ऑफ द इंडियन सोसाइटी बिजनेसमैन प्राइवेट जॉब वर्कर्स स्टार्टअप्स वेंडर्स हमने रिसेंटली देखा था कि भी स्वनिधि स्कीम जो है उसके अंदर माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज्यादा कम एरियाज के अंदर लोन्स मिले हैं उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी नाइन पॉइंट एट परसेंट के आसपास ही जो लोग हैं वो उसके अंदर जा रहे हैं इस तरह की सारी चीज़ें बेसिकली के अंदर ये बताती है किस तरह से जो है वो इंडिया का जो वर्किंग पैटर्न है उसके अंदर से जो है काफ़ी दिक्कतें हुई है और जो लोन देने का तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले हैं ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पर बताइए वन डी इज द आंसर डी और कोई क्या होगा आंसर काफी इजी क्वेश्चन है पता नहीं क्यों आप लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं आंसर क्या है इसका डी वेंडर्स स्मॉल के लिए बनाया गया है इंडिया विल कंडक्ट एक्सरसाइज कोप इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नहीं है कंट्री ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इस कंट्री के साथ मिलकर के हम लोग मेजर लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं इवन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है वेल आंसर इज यू एस एगा आंसर इसका विल बी यू एस एच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज दर्टी फर्स्ट मेंबर ऑफ नेटो नेटो की थर्टी फर्स्ट मेंबर ऑन सी कंट्री बनी है रिसेंटली नेटो के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से नेटो जो है वो अपने लेफ्ट तरफ राइट की साइड में जो है वो बढ़ता जा रहा है रशिया की तरफ जो है वो जाता जा रहा है उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई नई कंट्री कौन सी उसके अंदर जो है वो एंटर करने वाली है. उससे रिलेटेड बेसिकली बात चल रही थी बताइए e. e. क्या है इसका? अप्रूव अ प्रोपोजल फॉर गिविंग 8% परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन ऑप्टेन बाईन एस एच जी फ्रॉम महिला निधि गुजरात राजस्थान वेस्ट बंगाल और यूपी हमें तो इस चीज को भी देखा था अच्छे से किस तरह से इन सब सिचुएशन के हिसाब से ऐसे चीज को बनाया जा रहा है न्यूज इन शॉर्ट के अंदर इस चीज को देखा गया था बताइए क्या होगा आंसर Anyone? क्या आंसर होगा आंसर राजस्थान एक्टली आंसर क्या है राजस्थान

The answer. Explaining fourth question again, fourth question question again आपके interest subsidies के साथ में loan दिए जा रहे हैं जाता है उसको कहते हैं self help groups, उन self help group को जो है वो आपके loan देती है banks, और loan के ऊपर जो interest rate लगती है जो ब्याज लगता है उसके ऊपर भारत सरकार जो है राजस्थान सरकार subsidy दे रही है कि भाई हम लोग जो है वो इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका इतना ही पार्ट इनको पेमेंट करना पड़ेगा बाकी सरकार पेमेंट करेगी तो ये चीजें से अल्टीमेटली क्या होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा क्योंकि ये औरतें जो लोन लेगी लोन लेकर के अपना जो भी काम शुरू करेगी जो भी चीजें करेगी अल्टीमेटली उससे जो है वो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और वुमेन जो है उनकी भी ग्रोथ देखने को मिलेगी ने? ये चीज़ इससे रिलेटेड तो व्हाट इज द आंसर बी एग्जैक्टली आंसर क्या है कृष्णा कोच वर्ल्ड नोवाक जोकोविक राफेल नडाल रॉजर फेडर और कार्लोस अलकार आंसर होगा हम लोगों ने इसको भी न्यूज इन शॉर्ट के अंदर देखा था बताइए एक्टली आंसर exactly क्या है इसका एग चोकोडना हैज रीनेम्ड हाउ मैनी प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश टेन इलेवेन ट्वेल्व और सेवेंटीन रिसेंटली जो है वो डिस्ट्रिक्ट में चेंज किए गए है ना और वहाँ के नाम चेंज कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के चाइना ने ये बात क्लेम करते हुए कि ये जो पूरा एरिया है वो जो तो है वो चाइनीज एरिया इंडिया का एरिया नहीं है ऐसा क्लेम कर रही है चाइना आंसर आंसर इज 11 ऑफ़ द द इन वर्ल्ड इज प्रेडेड बाय विच विच एनिमल माउस डॉग कैट नन ऑफ़ रैबीज किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूज़ इन शॉर्ट के अंदर बताइए वन एग्जैक्टली आंसर क्या है इसका डॉग डॉग से ही मोस्टली रेबीज होती है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज़ दी हाइएस्ट एमिटर ऑफ कार्बन और लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द कार्बन बताइए कार्बन का एमिटर सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है हमने इस चीज़ के बारे में देखा था किस तरह से जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े पोल्यूटर्स हैं उनको किस तरह से कार्बन के ऊपर जो है वो टैक्सीज लगानी चाहिए ताकि बेटर वर्किंग जो है वो उनके अंदर देखने को मिले ज़्यादा जो है वो आपकी प्रोसेसिंग उनके साथ में हो और ज्यादा बेटर तरीके से वो काम कर सके बी बी टी बी डी सब आ गया एग्जैक्टली exactly आंसर क्या है चाइना चाइना सबसे बड़े एमिटर हैं, उसके बाद में यूएस है उसके बाद इंडिया व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर ईयर 2022-23? इस बार डायरेक्ट टे, टैक्स कलेक्शन कितना रहा है अभी रिसेंटली हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कई बार इस तरह के क्वेश्चन क्लैर पूछ लेता है ना क्रूड तो फैक्ट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक्सपोर्ट्स जो थे वो कितने थे या इम्पोर्ट जो थे वो इनमें से कितने थे ये जो चार ऑप्शन है उनमें से कितने थे ठीक है ना क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले आंसर इज सिक्सटीन पॉइंट करोड़ तो फर्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज ऑन टेबल एज प्राइम मिनिस्टर मीट्स भूटान किंग देखो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने रिसेंटली बात करी थी हम लोगों ने कल मैप भी देखा था जिसके अंदर ये स्पेसिफिकली चीज़ देखने को मिली है किस तरह से भूटान के किंग और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई है एज सच हमारे देशों के बीच में क्योंकि आपको पता है ट्रेटरी ऑफ फ्रेंडशिप 1949 के अंदर भूटान और इंडिया के साथ बीच में हुई थी तो ये बातचीत थी कि भाई कोई भी तरह का फॉरन डिसीजन लेने से पहले कोई भी दूसरे देशों से बातचीत करने से पहले जो है वो उनको स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी भूटान के भूटान को बात करनी पड़ेगी इंडिया के साथ में और इस तरह के प्रोविजन थे लेकिन इन प्रोविजन को काफ़ी लाइट बना दिया गया दो हज़ार सात के अमेंडमेंट्स के बाद में लेकिन आज भी भूटान के हर एक बड़े डिसीजन के अंदर जो है वो इंडिया का रोल बड़ा बड़े रूप से रहता है इस तरह की चीज़ के अंदर अभी रिसेंटली जो बातचीत चल रही है कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना और भूटान के बीच में सोल्यूशन आ जाएगा उसका तो उसके बेस के ऊपर जो है वो इंडिया के साथ बातचीत जो है चल रही है और इंडिया इसके अंदर अपने इनपुट्स दे रहा है इंडिया का यहाँ पर इनपुट्स देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कई एरिया जैसे डोकलाम का एरिया है इन एरियाज़ में अगर चाइना को दे दिया गया तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा चाइना और ज़्यादा पास में आ जाएगा इंडिया के और और ज़्यादा पास आ जाएगा उस वल्नरेबल छोटी सी गली के जहाँ से हम लोग जो है वो अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं जिसको हम लोग चिकन स्नैक कहते हैं या सिल्ली कॉरिडोर कहते हैं तो ये पूरा एरिया हमारे हमारे पकड़ से ना निकल जाए इस चीज़ के लिए कोशिश की जा रही है कि भाई भूटान जो है वो जिस तरह से नेगोशिएशन करे उसमें इंडिया के हिसाब से जो है वो कई सारी चीज़ें सेट हों इस तरह की सारी चीज़ें जो है उसकी कोशिश की जा रही है नॉर्मल ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई इंडिया जो है वो इन दोनों देशों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर जो है उनके अगेंस्ट में भी अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए रहता है क्या आपको पता है कि मैंने आपको कई बार कह रखा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है तो वो क्या है नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए हमेशा जो है वो आपकी इस तरह की चीज़ें चलती है दूसरी चीज़ भूटान और नेपाल का ये एटीट्यूड रहता है कि भाई वो इंडिया को ये बात बोलते हैं कि भाई इंडिया हमसे बिग ब्रदर ब्रदर एटीट्यूड की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है हमें अपने टर्म्स को डिक्टेट करने की कोशिश करता है और इंडिया हर जगह पर मोस्टली ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई इंडिया जो है वो अगर उसका इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा होता है तो हम लोग बिग ब्रदर एटीट्यूड की तरफ जो है वो बात रखते हैं इस तरह की बात जो है वो कही जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समय था बीच में जब जो है वो चाइना के साथ कई सारे ऐसे सोल्यूशंस निकालने लग गया था भूटान बैठ करके जो कि इंडिया के फेवर में नहीं थे और उस सिचुएशन में जैसे ही वो उस एग्रीमेंट में पहुँचने वाले थे तो इंडिया ने साफ साफ भूटान को बोल दिया कि आपको दी गई जितनी भी एड है जितनी भी हेल्प है वो तो सारी की सारी लोन्स में बदल जाएगी और जितनी भी हम आपसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं वो सारी की सारी हम खरीदनी कर देंगे बंद अगर आपने इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट जो है वो चाइना के साथ में किया है तो इस तरह की चीज़ें इंडिया को करनी पड़ती है क्योंकि अगर ना की जाए तो एक तरह से इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं होता और उस चीज़ के लिए बेसिकली इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं ठीक है ना तो इंडिया के फॉरन सेक्रेटरी जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि प्राइम मिनिस्टर और बुटेन के बीच में काफ़ी बातचीत हुई है तो कई तरह की जो है वो आपके इश्यूज़ के ऊपर जो है वो सोल्यूशन हो रहा है सेकेंडली इंडिया जो है उसने एग्री कर लिया है कि भाई जो बहुत सचो हाइड्रन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी जो है वो बात की गई है कि वहाँ का पावर भी इंडिया खरीदेगा देखो होता क्या है कि इन एरियाज के अंदर जो पावर होती है पावर होती है मतलब इन एरिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बेसिकली यहाँ पर क्या है कि भूटान जो है वो पूरा पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाका के अंदर जो है वो इस, इस तरह की सिचुएशन रहती है कि भाई यहाँ पर जो भी नदियाँ बहती है तो ऊपर से नीचे की तरफ काफ़ी झरने काफ़ी इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रहती है पर ऐसा यहाँ पर क्या होता है डैम को बनाया जाता है और डैम बना करके और यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जनरेट होती है इस देश में इतनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन देश के खुद के काम नहीं आती तो ये सब ये सब कोशिश करते हैं कि वो इंडिया को बेच दें ऐसा यही काम नेपाल करता है यही काम जो है वो आपके भूटान करता है कि वो इंडिया को ये, ये सारी चीज़ें की कोशिश में रहता है तो यही सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भाई आपके जो भूटान है उसके साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि भाई आपने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है उसकी बिजली भी हम लोग खरीद लेंगे ये चीज़ यहाँ पर की गई है इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट एल्टर रियलिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिया अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो नाम बदले गए हैं रिसेंटली जो है वो काफ़ी सारे नाम ग्यारह प्लेसेस के बदले गए थे उसके ऊपर जो है वो रिसेंटली इंडिया ने वापस से जो है जवाब दिया है यहाँ पर इंडिया ने ये बात कही है कि भाई आप इस तरह से नाम कितनी बार ही बदल लो वास्तव में इंडिया की सोवरेन टेरिटरी के अंदर ही आएगा और उसके अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है इससे पहले भी ये चीज़ देखी गई थी कि ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर भी इस तरह से जो है जगहों के नाम बदले गए थे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी अल्टीमेटली क्या दिखाती है कि भाई चाइना जो है वो हमारी सोवरेनिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है जो कि चीज़ इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना अब इस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भाई किस तरह से इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर है आज की डेट देखिए इस चीज़ को सबसे पहले समझे तीन मेजर सेक्टर्स है जहाँ पर जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है सबसे पहला सेक्टर जो है वो आपके ये सेक्टर है जिसके अंदर लद्दाख का एरिया है इसको कहते हैं हम लोग वेस्टर्न सेक्टर ये वेस्टर्न सेक्टर है इसके अंदर आपके लद्दाख के आसपास का एरिया है अक्साई चिन का एरिया है जिस पर आपके जॉनसन लाइन और मैकडोन लाइन के बीच में इशूज रहते हैं कि कौन सा एरिया किसका माना जाएगा इसके अंदर आपके जो है वो गलवान वैली का ले लीजिए चाहे आप जो है वो आपके ऊपर गोल्डन बेग ओल्डी का एरिया ले लीजिए या फिर इसके नीचे जो है वो आपके पेंगोंग सो लेक का ले लीजिए हॉट स्प्रिंग्स का ले लीजिए ये मेजर कंटेस्टेड एरियाज है ना तो ये चीज़ है दूसरा जो एरिया है वो ये एरिया है ये जो बॉर्डर का एरिया है इसको हम लोग मिडल सेक्टर कहते हैं ये मिडल सेक्टर का एरिया यहाँ पे मेजर रूप से ज़्यादा कोई डिस्प्यूट है नहीं है ना लगभग दोनों जो है वो देश मानते हैं कि भाई यहाँ से जो है वो हमारा बॉर्डर चालू होगा इसी एरिया को हम लोग बॉर्डर मानेंगे थर्ड जो सेक्शन है वो बेसिकली आपका ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया है जिसको हम लोग ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं यह आपके ईस्टर्न सेक्टर इस ईस्टर्न सेक्टर के अंदर बेसिकली जो एरिया है यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है इसके अंदर बेसिकली माना जाता है चाइना ये मानता है कि पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का नहीं है ये पूरा पूरा एरिया जो है वो चाइना का है ठीक है ना और इंडिया ये कहता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश का पूरा पूरा एरिया जो है वो इंडिया की सॉवरन टेरिटरी है किसी भी रूप से जो है वो चाइना का इसके अंदर कोई भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है कोई भी तरह का ट्रेस हम लोग अलाउ नहीं करेंगे और सच यहाँ पर क्या है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो मैकमोहन लाइन है मैकमोहन लाइन बेसिकली जो है वो जब टिब है टिबेट को और चाइना को तो बुला करके और ब्रिटिशर्स ने बैठा करके और बातचीत करी थी उस समय जो है मैकमोहन लाइन बनाई गई थी उस समय भी चाइना जो है उन्होंने इस तरह की मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था और वो बीच में उठ करके चले गए थे नेगोशिएशन से आज से सौ डेढ़ सौ साल पहले की बात है और आज की डेट में वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा जो है वो चाइना का पार्ट है और इस चीज़ के लिए चाहे अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं और इसीलिए जो है वो हर नई बार ये कोशिश करते हैं वो कि किस तरह से जो है वो नया नया जो है वो आप कह सकते हो कि एक चीज़ें लेकर के आए जिससे ये क्लेम बन सके कि वो जो पूरा एरिया है वो चाइना का है तो उन्हीं में से एक तरीका है डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलते रहें है ना ये चीज़ें अब इस चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग खोल लेते हैं तो इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश के जो पूरा एरिया है उसके अंदर आप देख सकते हो मेजरली जो है आपकी मैकमोह लाइन है जो कि इसको पूरे को डिवाइड कर रही इस मैकमोह लाइन के अंदर जो है आपके सबसे पहले इच्छू का एरिया दिबांग वैली का एरिया है ना यहाँ पे दिबांग बेसिकली एक रिवर है दिहांग और दिबांग ये दो रिवर है जो कि आपकी अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र से मिलती है देखो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इस तरह से आती इस तरह से आकर के और इंडिया के अंदर एक यू टर्न लेकर के फिर इंडिया में एंटर करती फिर ये जो इंडिया में एंटर करती है तो इसके साथ में जो है वो यहाँ पे दिहांग दिबांग लोहित ये जो रिवर्स है ये सारे इसके साथ में मिलती है वहीं पर ही आपकी दिबांग वैली है है ना ये एक काम की चीज़ है सेकेंडली कहीं यहाँ पर माउंटेन रेंजेस है जो कि काम काफ़ी ज़्यादा काम की है और लगातार एक से ऊपर एक चार रेंजेस ये भी चीज़ जो है वो आपकी काम की हो जाती है पर ज़्यादा इसके अंदर डीप में हमें नहीं जाना है ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके मैक मोहल्ल लाइन और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है जो कि आज की डेट में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है वर्ल्ड बैंक लोअर्स इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट टू सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि भाई इंडिया जो है उसके अंदर ग्रोथ रेट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उसका रीज़न ये है कि ग्रोथ कम देखने का कारण है एक तो वर्ल्ड लेवल पर रिसेशन चलना चलने लग गया है और सेकेंडली इंडिया की जो खुद की बोरइंग कॉस्ट है जो तो चीज़ें खरीदने की चीज़ है जो बोरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस तरह की ज़्यादा बोरिंग कॉस्ट का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या बनता जा रहा है कि इस पूरे देश के अंदर जो है वो काफ़ी ज्यादा इशूज देखने को मिले हैं जहाँ पर अल्टीमेटली जो ग्रोथ फोरकास्ट सेवन परसेंट के आसपास में थी वो गिर करके सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट हो चुकी इन सब चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट जो है वो देश के ऊपर देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ भी स्लो डाउन होगी और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी कमी देखने को मिल सकती है ना तो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो आपकी इंडिया की जो है वो गिरा दी अच्छा वर्ल्ड बैंक जो क्लासेस मॉर्निंग में क्यों नहीं होती मॉर्निंग के अंदर वैसे कई बच्चे थे उनका ये था कि भाई मॉर्निंग के अंदर क्लासेस ना हो क्लासेस जो है वो आपके टाइम पर ही हो दोपहर के समय में ताकि वो इजी रहे इसलिए जो है वो पहले क्लासेस मॉर्निंग में ही होती थी एलेवन क्लॉक के, के आसपास में फिर तो बाद में उसको चेंज करके और आपकी जो है वो टाइमिंग ये रखी गई थी अगर बच्चों का ज़्यादा इसके अंदर इन्फ्लुंस होगा तो हम लोग मॉर्निंग तो में वहाँ शिफ्ट करेंगे पर आज की डेट में किसी बच्चे का नहीं है मोस्टली बच्चे इसे सेटिसफाइड है तो इसलिए हम लोग इसको दो बजे के आसपास ही रखते हैं ओके okay? ये चीज़ तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने लोअर की है इस चीज़ को और इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट के ऊपर रखा है ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर इससे रिलेटेड है सेकेंड जो चीज़ है उसके अंदर ये चीज़ इनका कहना है कि भाई वर्ल्ड बैंक जो जो है अच्छा वर्ल्ड बैंक के बारे में मुझे कोई बता सकता है कि वर्ल्ड बैंक कब बना था और कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कौन से एग्रीमेंट से ये बना था आज की डेट में वर्ल्ड बैंक जो है और आई एम एफ में क्या फर्क है एनी वन वन क्या होगा आंसर वर्ल्ड बैंक कब बना था से बनाता आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क है क्या काम करता है वर्ल्ड बैंक एग्जैक्टली यहां पर क्या चीज है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो आपके 1944-45 के अंदर वुड एग्रीमेंट हुआ था इसके अंदर जो है ये वुड में कि जो ब्रिटेन वुड सिस्टर्स कहलाते हैं दो वर्ल्ड बैंक और आपकी आई एम एफ आई एम एफ जो है वो किसी भी देश की सिचुएशन बिगड़ती है तो उसी कंट्री को हेल्प करने के लिए बेसिकली काम करता है ये आपका आई एम एफ है ठीक है ना जैसे श्रीलंका की सिचुएशन बिगड़ी तो उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ गया ताकि उनकी सिचुएशन ज़्यादा ना बिगड़े करेंसी की वैल्यू मेन्टेन रहे वो काम आई एम एफ करता है वर्ल्ड बैंक क्या करता है डेवलपमेंटल वर्क करता है सभी देशों के अंदर जो डेवलपमेंट डेवलपमेंटल फ्रेज के अंदर है उन सबको लोन देता है तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली यहाँ पर इस पर लिखी है दैट आपके जो है वो वर्ल्ड बैंक की जो फोरकास्ट है वो इस चीज़ को बता रही है कि किस तरह से जो है वो आपके इंडिया के अंदर सिचुएशन जो थोड़ी बिगड़ने वाली है ये भी हम लोगों ने देख लिया कि वर्ल्ड बैंक जो है वो आपके ब्रिटेन वोट एग्रीमेंट से बना है 1944-45 के अंदर इसको बनाया गया था आज की डेट में पांच अलग अलग जो है वो इसके पार्ट्स है जो कि मिला करके वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है इंडिया सभी का पार्ट है लेकिन सेटलमेंट वाला जो एजेंसी है

इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं इंडिया की एक्सचेंज रेट गिरती जा रही है और अल्टीमेटली रिजर्व बैंक इसका कोई फिक्स सलूशन नहीं निकाल पा रहा है। क्लासेस मॉर्निंग में ही होती थी लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया है बच्चों की इच्छा से ही ओके इवन देन आके अगर बच्चों का और कहना होगा तो उसको वापस मॉर्निंग में शिफ्ट किया जा सकता है ओके तो अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई इंडिया को कई तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है और इंडिया के जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट हैं उन सबका ये मानना है कि भाई इंडिया जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है पर आज की डेट में वो सोल्यूशन मिल नहीं रहे है ना काफ़ी ज़्यादा लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर दिखता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा लेवल पर जो है वो सारी इन्फ्लेशन की और दूसरी चीज़ें बढ़ती जा रही है जिसका अल्टीमेटली भयंकर इफेक्ट देश के ऊपर देखने को मिल रहा है नेक्स्ट इनका ये कहना है कि भाई चाइना से हमको जो है वो लेसन लेना चाहिए चाइना से हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो देश की सिचुएशन जो है के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफ को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए है ना और ये चीज़ जो है वो और इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ कही गई है कि भाई चाइना से हमें सीखना चाहिए देखो चाइना और इंडिया एक साथ में फ्री हुए थे एक साथ में फ्री होने के बावजूद सिस्टम ये देखने को मिला दैट जो तो चाइनीज़ लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेवल पर इंक्रीज कर लिया 1949 में चाइना फ्री हुआ है 47 में इंडिया फ्री हुआ है लगभग एक ही समय में लेकिन 1975 के बाद उन्होंने अपनी पूरी अप्रोच को चेंज कर लिया बहुत ज़्यादा स्पीडली वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगे बहुत ज़्यादा स्पीडली काम होने लगा अल्टीमेटली जो देश है काफ़ी अच्छा आज की डेट में ग्रो कर रहा है और इंडिया से कितने गुना जो है प्रोग्रेस कर लिया रीज़न क्या था कि उन्होंने एफ को अलाउ किया देश के अंदर जो है वो दूसरी कंपनीज़ को जो है वो रखने के लिए अलाउ किया जिन्होंने अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया फिर इंडिया के अंदर भी आज मान लीजिए बाहर से कंपनी आती है जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से ओप्पो वीवो आपने नाम सुना होगा ये बेसिकली चाइनीज़ कंपनीज है ना अब इन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है एफ की तरह है ना इसके अलावा जैसे आपकी एप्पल है तो एप्पल जो है वो रिसेंटली ये कोशिश कर रहा है कि वो अपना आधा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में करें और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन वो साउथ इंडिया के अंदर आज की डेट में करते हैं तमिलनाडु में तो होता क्या है कि जैसे ही आपका काम शुरू होता है किसी एरिया के अंदर जैसे आप फैक्ट्री डालते हो तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पर मिलता है बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिलता है अल्टीमेटली क्या होता है कि इस पूरे एरिया से इस पूरी चीज़ से जो है इकनॉमी काफ़ी ग्रो करती है तो इनका ये कहना है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं जितने भी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आगे से आगे बढ़ना चाहिए जैसे वियतनाम भी है तो वियतनाम का एग्जाम्पल देखिए इनका कहना है कि भाई किस तरह से एक बहुत अच्छे तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है वियतनाम अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर सारा काम हो सकता है तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिलती है और इंडिया को भी ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए ऐसा इनका कहना है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर हम लोग गौर करें और उसके साथ में दूसरी चीज़ों के ऊपर भी गौर करें ना सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी को ही आगे रख दें और बाकी चीज़ों को पीछे रख दें ये चीज़ ठीक नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट भी काम का है और बाकी चीज़ें भी काम की है दोनों को साथ में लेकर के चलने से अल्टीमेटली ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जो दूसरी चीज़ इन्होंने कही है वो ये है कि आज की डेट की जो करंट पैराडिजम है उसके अंदर दिक्कत क्या चल रही है कि उसके अंदर सभी सेक्टर्स को अलग अलग बांट करके देखा जा रहा है और इकनॉमिस्ट अपनी ही दुनिया से काम कर रहे हैं अल्टीमेटली फिर क्या है कि जितने भी इकनॉमिट हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अल्टीमेटली आपके देश के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ में कोशिश करते हैं कि भाई वो अपने ही सेक्टर के बारे में सोचें है ना जैसे आर अपना अलग काम कर रही है है ना सी अपना अलग काम कर रही है इसके अलावा इकनॉमिस्ट अपने अलग ही काम कर रहे हैं है ना उनको इस चीज़ से मतलब नहीं कि भाई किस तरह से कैसे हो तो एक मैकेनिकल अप्रोच इकोनॉमी की तरफ जो है वो हमारी चल रही है कि ऐसा कर दो तो, तो ऐसा हो जाएगा ऐसा कर दो तो वैसा तो हो जाएगा क्योंकि रियलिटी ये नहीं है ओरिजिनली आपको जो है वो एक लेवल पर नीचे उतर करके देखना होता है कि भाई चीज़ें चल कैसी रही है। और उसके बेस पर ये चीज़ पता चलती है कि भाई वास्तव में वर्ल्ड की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है यही सेम चीज जो है यहाँ पे देखने को मिली है कि भाई किस तरह से आपकी जो करंट पैर है वो इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो जो है वो चीज़ों को ऑल राउंड तरीके से देखे कि भाई सब चीज़ें आपस में इंटरमिक्सड है और उसके सामने जो है वो काम करना शुरू करें है ना ये चीज़ इनका कहना ये है कि आज की डेट में ये जो ग्लोबल सिचुएशन है जो ग्लोबल क्राइसिस की सामने आई है उसके लिए जो है वो इंडिया को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें जो है वो चीज़ों की अप्रोच जो है वो अपनी बदलनी पड़ेगी जैसे इनका कहना है कि आइंस्टाइन का कहना था कि भी अगर आप कोई चीज़ को सॉल्व करने के लिए लगते हो उसी अप्रोच से जिससे कि वो चीज़ जो है वो बिगड़ी थी तो अल्टीमेटली आप उसको सॉल्व नहीं करोगे आप उसको और ज़्यादा खतरनाक बना दोगे तो वैसे ही इंडिया को अगर सॉल्व करनी है अपनी दिक्कतें तो उनको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उनको अपने जो इश्यूज़ है जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी एक होलिस्टिक मैनर के अंदर काम करने के लिए आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा है ना भाई आपकी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का काम एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है इंडस्ट्रीज आपके सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है इस बात को मानना पड़ेगा है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर अच्छा जो है वो फ्रूट्स नहीं होंगे तो अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रीज जैम की बन रही है ना अच्छे फ्रूट्स नहीं आएंगे तो जैम जैम अच्छा सा नहीं बनेगा ठीक है जैम है या सॉस है ये अच्छे नहीं बनेंगे जैम सॉस अच्छे नहीं बनते हैं तो अल्टीमेटली इनका सारा बिज़नेस फ्लक्चुएट होता है तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो वकील जो सी ए की हेल्प करते हैं उनको भी पैसे कम मिलेंगे अल्टीमेटली सारे सेक्टर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन्फ्लेशन और इकोनॉमी भी आपस में जुड़े हुए हैं इसके अलावा आपकी ग्रोथ और सब चीज़ें दूसरी आपस में जो है जुड़ी हुई है और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली दिखा

पी एल ए बेसिकली आर्मी है आपके चाइना की बाद में अभी जो चीज हुई है तो उसके भी कई सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं तो इनका ये जो अंदाजा है इनका ये अंदाजा लगा रहे हैं कि संभव है शायद पॉसिबिलिटी है कि ऐसा सिचुएशन हुआ हो जहाँ पर जो है वो आपके जी ट्वेंटी की समिट रखी गई थी जान पूछी अरुणाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जी ट्वेंटी की समिट रखी गई क्यों ताकि ये चीज़ इंडिया एजर्ट कर सके कि ये पूरा का पूरा एरिया इंडिया का ही है चाइना को कोई लेन देन नहीं है लेकिन उस एरिया के में जो जो मीटिंग ही थी वो बॉयकआउट किया था चाइना ने कि चाइना उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली क्या दिखाती है कि आपके देश के अंदर कई तरह की जो चीज़ें हैं उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर चाहिए और इस कारण से बेसिकली चाइना ने अटैक किया होगा जो दूसरा रीज़न जो दिखता है वो ये भी है कि भाई पी एल जो है वो उसने कोशिश करी थी कि वो इंडिया के अंदर कई सारे एरिया तवांग सेक्टर के आसपास में ले ले लेकिन इंडिया ने जो है ब्रूटली उसको उसका पूरा प्लान फेल कर दिया रिसेंटली जो कि दिसंबर 2022 की बात है तो इस तरह की चीज़ें अल्टीमेटली क्या दिखा रही है कि इस कारण से शायद उन्होंने वापस से ये काम किया हो सकता है और यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही इन कंट्रोल्ड डिजिटल लैंडिंग द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई डिजिटल लैंडिंग जो है होता क्या है कि इन्होंने जो बात करी है वो है आपकी बेसिकली चीज़ जिसके अंदर आपको इंटरनेट पर डिजिटली जो है वो आपको पढ़ने के लिए चीज़ें मिलेंगी है ना तो इंटरनेट आर्चीव नाम की एक कंपनी है जो कि कोशिश कर रही है कि जितने भी चीज़ें हैं जितने भी बुक्स हैं जितने भी लाइब्रेरी है वो ई लाइब्रेरी बने और वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े जितने भी पब्लिशिंग है उनकी सबकी जो है वो किताबें अवेलेबल हो अब इसका जो है बेसिकली इसके अगेंस्ट में केस चल रहा है और केस चल करके यहाँ पर बात आई है जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि भाई किस तरह से आपकी डिजिटल लैंडिंग जो है यानी कि इस तरह से जो किताबें हैं जो लोगों को दी जाएगी पढ़ने के लिए डिजिटल रूप से है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो उसके ऊपर जो है बेसिकली केस कर दिया गया है यू के अंदर और चार जो पब्लिशिंग हाउस है वो केस करके ये बात कह रहे हैं कि भाई उनका कॉपी जो था वो कुछ एक किताबों के ऊपर था वहाँ पर लेकिन वो सारी किताबें जो है वो उनको फ्रीली अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रही है तो आपकी इंटरनेट आचीव नाम की जो कंपनी है या एनजीओ है वो अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ जाननी चाहिए हम लोग क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं है ना कॉपी राइट होता है आपने जैसे देखा होगा हर एक किताब के ऊपर लगभग लिखा हुआ होता है कि ऑल राइट्स रिजर्व वो बेसिकली क्या होता है कि जो किताब लिखता है जो किसी किताब होती है उसकी आप चीज़ों को काम में ले करके और अपनी कमाई नहीं कर सकते यानी कि आप उनकी किताब को वापस छाप दो अपने नाम से और बेचने लग जाओ ये चीज़ आप नहीं कर सकते तो इसलिए जो है वो बेसिकली इनके लिए क्या किया जाता है कॉपीराइट जो है वो लिया जाता है तो ये जो कॉपी है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बेसिकली जो है वो सरकार दे रही है कॉपी और यू की गवर्नमेंट ने जो है इन पब्लिशर्स को कॉपी दिया था लेकिन आपके जो डिजिटल आर्ची है जो इंटरनेट आर है इन्होंने जो कोशिश करी है कि भाई जितनी भी जितने चीज़ें है उसको डिजिटली प्रोवाइड कर दे ताकि गरीब से गरीब आदमी या फिर रिमोट से रिमोट एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली इसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकें इस तरह की चीज़ें बेसिकली जो है वो आपके डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड है जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखी है तो दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिलता है कई कंसेप्ट ये भी कहते हैं इसके अंदर दैट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ठीक है अल्टीमेटली जो है वो आपके देश में आगे से आगे अगर बढ़त करनी है आपको तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है दूसरी चीज़ यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी भाई डिजिटल लैंडिंग एक्चुअल में क्या चीज़ होती है ना डिजिटल लैंडिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई जो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट आर्ची वगैरह इंडिया में आता है इंडिया में आकर जैसे इन्होंने बताया कि वे तीन चार एक अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करता है और उन कोलैबोरेशन के साथ में अगर डिजिटल लाइब्रेरी होती है तो उनके अंदर ये कोशिश करते हैं वो लोग कि एक ही आदमी को सारे एक ही आदमी को किसी किताब का एक्सेस छः जगहों पर अलग अलग जगह पर ना मिल जाए है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के अंदर तीन यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई एक किताब मिल रही है जोकि बाकी जगहों पे नहीं मिलती है तो वो तीन आ, वो आदमी को जो है वो हर एक जगह पर एक्सेस नहीं मिल जाएगा है ना वो तीन एरियाज के अंदर उन तीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेसिकली जो है वो छः से छ से सात जो है वो एक्सेस होंगे और हर एक आदमी एक से ज़्यादा एक्सेस नहीं ले सकता यानी एक आदमी कितना भी कोशिश कर ले वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ तीन एक्सेस ले सकता है उससे ज्यादा नहीं ले सकता है ना ये भी हाईएसट में है बाकी छः से सात जो है वो बाकी लोगों को ही मिलेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है वो बेसिकली ये डिजिटल एडिशन जो है वो चीज़ों का पहुँच सके तो ये आपकी डिजिटल लैंडिंग की चीज़ है किस तरह से डिजिटली आप लैंड करते हो कोई तो भी तरकी की किताब को ये चीज़ है और इस तरह से किस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट भी जो है वो सर्व होता है यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने बताई है और इंडिया के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है इसलिए इंडिया को इस तरह की चीज़ों पर लॉज जो है वो अभी भी अभी ही क्लियर कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा इश्यूज़ उसके अंदर ना देखने को मिले समय तो रेजोल्यूशन यहाँ पर रिसेंटली ये चीज़ देखने को मिली है कि भाई इंडिया में जो है वो हीट वेव का फोरकास्ट काफ़ी बढ़ गया है ये बात कही जा रही है कि भाई हीट वेव्स काफ़ी बढ़ने वाली है इंडिया में हीट वेव्स बढ़ने वाली का जो अल्टीमेटली मीनिंग हो रहा है वो ये बनता जा रहा है आपके मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा देश के अंदर और हीट वेव बढ़ेगी यानी कि हीट वेव का मतलब ये है कि चार से पाँच डिग्री जो है वो ज़्यादा रहेगा आपके तापमान का इफेक्ट ये रहेगा कि भाई डिजिटल जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपकी जो आई है उनकी जो फोरकास्ट है उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा ताकि ड्रॉट के अंदर या फिर हीट वेव के अंदर ज्यादा लोग मरे नहीं देखो तो हीट वेव के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है कि मोस्ट लोग हीट वेव के अंदर उनकी डेथ जो होती है वो ज्यादा गर्मी के कारण जो है वो देखने को मिलती है और एक साइलेंट किलर की तरह वो काम करती है फ्लड के अंदर तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई ये डेड बॉडी है और ये सब मरे इसीलिए हैं क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया लेकिन ड्रॉट जो होता है वो साइलेंट किलर होता है लोग मर जाते हैं कितने ही लोग मर जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता उस चीज़ का तो ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो और इसलिए अब सरकार भी जो है वो तैयार है इस चीज़ के लिए इससे इस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि ज़्यादा कम इफेक्ट ज़्यादा कम डेथ्स और ज़्यादा ज़्यादा तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आज की डेट में चल रही है तो अनिनों के आने के भी पूरे चांसेस है और अनिनों का मतलब क्या है कि उतनी कम रेनफॉल इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी मानसून सीजन में तो मानसून सीजन में अगर रेनफॉल कम होगी तो अल्टीमेटली और ज़्यादा हीट का इफेक्ट होगा और ज़्यादा इफेक्ट हीट का होने के कारण और ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ सकती है तो ये सारे चैलेंजेस आज की डेट में इंडिया के सामने हैं कोशिश की जा रही है कि भाई किस तरह से बेटर से बेटर फोरकास्ट करके और तैयारी करके को तो जो है वो कंट्रोल में लिया जा सके केस ऑफ मैरिज इक्वालिटी का कहना है कि भाई इंडिया के अंदर जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर इशूज़ चल रहे हैं वो ठीक नहीं है सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउ की जानी चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है तो जिन जिन लोगों ने जो है वो उसके अगेंस्ट में या गवर्नमेंट ने जैसे इनके अगेंस्ट में जो है वो आर्ग्यूमेंट दिए हैं तो उनको उन्होंने एक एक करके काटने की कोशिश करी तो जैसे सबसे पहले इनका कहना ये है कि भाई इंडिया में जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है जो यही बात कहते हैं सिर्फ कि भाई जो है वो आपकी सेम सेक्स मैरिज नहीं होनी चाहिए ऐसा कई कई सारे लोग क्लेम करते हैं तो इनका ये कहना है कि भाई वास्तव में जो लॉयर्स होते हैं वो स्टैचूस को अपने वो सारे लॉज को स्टैचूज को अपने हिसाब से चलाते हैं और अपने हिसाब से उसको ट्वीट करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं तो ये बात कह देना कि भाई किसी एक वकील ने या दो वकील ने इस बात को बोला है तो अल्टीमेटली पहले वो उनकी अप्रोच बनती है उसके बाद में वो लॉ को उस हिसाब से मोल्ड करके और जो है वो जवाब देते हैं तो ये बात नहीं है कि हर एक हर एक लॉ के अंदर जो है वो यही चीज़ लिखी हुई है कि भाई चीज़ बंद हो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कहीं पर भी ये प्रोविज़न नहीं है कि सिर्फ आदमी और औरत ही शादी कर सकते हैं आपस में ये बात भी यहाँ देखने को मिल रही है सेकेंड चीज़ जो इसके सामने मिल रही है वो ये है कि भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जितने भी लॉज होते हैं वो रिलीजन के बेस पर ही बनते हैं और क्योंकि रिलीजन अलाउ नहीं करता तो लॉज भी इसको अलाउ ना करें तो यहाँ पर इनका कहना है कि भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक लॉ जो है वो रिलीजन के बेस पर बनता है है ना जैसे कई सारे ऐसे लॉज हैं इंडिया के अंदर जो कि रिलीजन के अगेंस्ट में बैठ करके भी बनते हैं जैसे इंडिया के हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो वो सारे जो बने हैं तो वो बेसिकली कॉमन लॉज के हिसाब से बने हैं और वास्तव में तो जब वो बने गए थे तब इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था काफ़ी इशूज़ हुए थे और हिंदूज़ ने काफ़ी इशूज़ उनके अगेंस्ट में करे थे कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइनटीन फिफ्टी के अंदर जो है वो आपके स्पेसिफिकली जो है वो हिंदू हिंदू कोड बिल को पास करने की कोशिश की जा रही थी और वो जो हिंदू कोड बिल था उसके अगेंस्ट में इतने ही जो है लेवल पर आपके जो सन्यासी थे और इंडिया के जो हिंदू सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो पूरा का पूरा जो है खड़ा हो गया था उसके अगेंस्ट में यही चीज जो है उसके अंदर देखने को मिली थी और पूरा हिंदू सेक्शन उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया था जैसे आ, 1955 फिफ्टी का जो इलेक्शन थे उस इलेक्शन के अंदर जो है वो करपात्री जी नाम के एक सन्यासी थे जो कि जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में जो है वो चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि हिंदू कोड बिल जो है उसको हटाना है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो हिंदू कोड बिल में चेंजेस नहीं किए और आज की डेट में हिंदू कोड बिल में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो एक्चुअल में जो इंडियन जो रिलीजन है वो बोलता है तो उनका ये कहना है कि भाई कॉमन लॉज भी कई सारे होते हैं और सिर्फ रिलीजन के बेस के ऊपर लॉज बनते हैं ऐसी बात नहीं है ये बात इंडिया में पहले से देखने को मिली तीसरा जो आर्गूमेंट दिया जाता है कि भाई प्रोक्रिएशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है बच्चे पैदा होना और बच्चे पैदा करने के लिए ही जो है बेसिकली या एक बड़ा पर्पज़ जो है वो शादी करने का ये है कि भाई बच्चे हों लेकिन इनका यही कहना है कि भाई कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी कंसेंट से जो है वो साथ में रहते हैं हस्बैंड वाइफ हैं मेल और फीमेल दोनों हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो है वो बच्चे नहीं हैं तो इनका ही कहना है क्या इस सिचुएशन में आप लोग ये मान लोगे कि हाँ अगर नहीं है इस तरह के बच्चे तो इसका मतलब ये है कि भाई ये लोग जो है मैरिड नहीं है इस तरह के आर्ग्यूमेंट जो है वो काम के नहीं हैं आर्ग्यूमेंट जो है वो एक तरह से आपके इनका कहना है कि भाई सिर्फ प्रो क्रिएशन का ही कारण जो है वो बेसिकली लोग शादी करते हैं तो ये चीज़ सेंसलेस है कि लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और ऐसा नहीं कि इंडिया के रिलीजन में इस तरह की चीज़ें नहीं थी इनका कहना है कि भाई हिंजरा जो घराना सिस्टम है उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि भाई हिजराज जो है वो आपस में शादी करते थे या इस तरह की चीज़ें जो है वो इंडियन कल्चर्स में दिखती है तो इस चीज़ को लेजिटिमेट करना चाहिए और एक लेजिटिमेट करने के लिए जो लीगल नीड है लोगों की उसको जो है मानना चाहिए लोगों की खुद की नीड होती है रिक्वायरमेंट होती है जिसके हिसाब से वो काम करते हैं लोगों की सोशल एक्सेप्टेंस के लिए वेट करें पूरा का पूरा समाज तो बेसिकली समाज के लिए चीज ठीक नहीं बताई नेक्स्ट इज ऑन ट्विटर ओपन सोर्स ये बेसिकली जो है वो आपके कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है जहां पर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रूप से जो आपके मस्क है उन्होंने जो है वो अपना ओपन सोर्स करने का जो प्रॉमिस है ट्विटर का वो जो है वो रिसेंटली कंप्लीट किया है अब क्वेश्चन ये है कि भाई ओपन सोर्स नाम की चीज होती क्या है और ट्विटर क्या चीज़ है और किस तरह से काम करता है खैर ट्विटर तो मोस्टली बच्चों को पता होगा इवन देन आप लोग को नहीं पता है तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी ट्विटर है जैसे आपके व्हाट्सएप होता है वैसे ही आपकी ट्विटर भी है काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी बड़ी साइट है काफ़ी बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया इंडिया और वर्ल्ड के अंदर काफ़ी लेवल पर चलता है ये जो ट्विटर है उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी रिसेंटली कि भाई ट्विटर जो है उन्होंने उसमें जो है वो आपके इलॉन मस्क ने कम्पलीटली ट्विटर को ख़रीद लिया ट्विटर को ख़रीदने के बाद में ये चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने जो है उसकी ओपन सोर्सिंग की जो है प्रॉमिस किया था कि भाई हम लोग जो है वो उसको इसकी एल्गोरिथम जो है उसको ओपन सोर्स कर देंगे सबको बता देंगे कि भाई हमारा तरीका क्या है काम करवाने का अब इस चीज़ को भी समझे थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ देखो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है आपने ये चीज़ देखी होगी कि भाई जिस तरह का जैसे आपने यूट्यूब पर यह चीज़ देखी होगी या फिर आपने कई और जगहों पर देखी होगी कि जिस तरह का कंटेंट आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं या जिस तरह का कंटेंट आपको जो है वो दिखाया जाता है और उसको आप जितना देखते हैं उस तरह का कंटेंट और 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 जो है वो आपके काम के अंदर देखने को मिल जाता है और ज्यादा देखने को मिलता है आपकी वर्किंग uh, में और ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से जो है वो आप वो उस हिसाब से ढलने के लिए जो है वो कोशिश की जाती है कि भाई किस तरह से जो है वो एक पर्सन का व्यवहार है उसके हिसाब से उसको रिकमेंडेशन दी जाती है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस पर्सन के डाटा को काम में लिया जा रहा है डेटे का डेटा को काम में लेकर के और लोग इन्फोरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि एड कंपनी से बात करते हैं कि भाई ये आपका प्राइमरी कस्टमर है ये इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी सर्च करता है इस तरह की चीज़ों का अगर सोल्यूशन आपके पास में है आप इसके बिजनेस मैन तो आपको मैं यहाँ पर ऐड दिलवा सकता हूँ तो डेटा का किस तरह से यूज़ लिया जाता है वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली इस एल्गोरिथम के अंदर आती है एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं इनका ये कहना है कि भाई सबसे पहले सर्चिंग की जाती है यानी कि कई सारे जो ट्वीट्स खरीदे जाते हैं किसी एक आदमी के ट्विटर हैंडल पर डालने के लिए उनके सामने सजेशंस की तरह डालने के लिए तो कई सारे जो लिए जाते हैं उनमें से लेकर के और जो है वो उनके सामने धीरे धीरे करके डाले जाते हैं वो आदमी जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है उन चीज़ों को जो है वो और ज़्यादा दिखाया जाता है और जो चीज़ें वो रिजेक्ट करता है उनके लिए एक अलग सिस्टम बना दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें जो है वो इनको भेजनी नहीं है ठीक है ना इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो है वो ये सीख जाते हैं कि इस तरह से जो है बेसिकली आपकी एल्गोरिथम वर्क कर रही है और ये आदमी को इस तरह की चीज़ें पसंद है इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें कम पसंद है इस तरह की जितना भी सिस्टम है इसका पूरा का पूरा ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो ट्विटर ने जो है वो सबके सामने रख दिया है कि भाई ये सारा सिस्टम इस तरह से चलता है ठीक है ना और सारे सिस्टम के इस, इस इस तरह से चलने का जो है वो बेसिकली ये कारण है ये तरीका है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई इन्होंने कि किस तरह से डेटा का जो है प्रयोग किया जाता है डेटा को लिया जाता है देश के अंदर उसके बाद उसको काम में ले, लेते हैं ये, ठीक है ना तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई है इन्होंने बाकी सब कुछ इन्होंने बता दिया ना तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर इससे रिलेटेड है वॉट वॉज डिस्कस्ड एट यू एन वोटर कॉन्फ्रेंस देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि आपके फोर्ट सिक्स ईयर्स के बाद में यूनाइटेड नेशन्स की वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है दो हज़ार तेईस के अंदर ठीक है ना पर ये जो है वो काफ़ी बड़ा इफेक्ट डाल सकती है देश के अंदर क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में पानी की कमी भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है ना जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके सामने बढ़ रही है इंडिया में भी ये सिचुएशन है इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब पाँच हज़ार लीटर एक पर्सन पर पर पर्सन जो है वो हमारे पास में अवेलेबल था लेकिन आज की डेट में वो चीज़ गिर करके वन वन थाउजेंड वन हंड्रेड के, के आसपास में आ गई है क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिचुएशन के अंदर हम लोग अब जाते जा रहे हैं जो कि बहुत बुरी सिचुएशन देश के लिए ग्राउंड वाटर लेवल देश का काफ़ी गिरता जा रहा है जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि ग्राउंड लेवल आपके पंजाब के अंदर हरियाणा और राजस्थान के अपर एरियाज के अंदर लगभग दो से तीन मीटर तक नीचे जा चुका है जो कि बहुत बड़ी बात है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि अपने एरियाज़ के अंदर जो है बेसिकली हैंडपम्प्स लगाते हैं जिसके अंदर डीजल की भी सरकार सब्सिडी देती है उसके बाद में वो उसको चला के छोड़ देते हैं कि जब तक खेत पूरा भरेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं और एज सच इफेक्ट क्या होता है कि इस सारी चीज़ों के कारण जो है वो यू एन की वाटर कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी थी क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो इस तरह से वेस्ट करते हैं पानी का ये वेस्टेज जो है उसको बंद करना जरूरी है ताकि देश जो है वो बेसिकली पानी के लिए और अच्छे से बेटर काम कर सके यहाँ इनका ये कहना है कि भाई आपकी यू एन की जो वाटर कॉन्फ्रेंस है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से देखने को मिली है और इसके अंदर जो है काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला है जैसे फॉर एग्जाम्पल डब्लू ट्वेल्व प्लस ब्लू प्रिंट जो है उसके अंदर चीज़ें आई है जिसके अंदर ये चीज देखी जा रही है किस तरह से जो है घरों के अंदर पॉलिसीज को टेक्नोलॉजीज को यूज़ में लेकर के और आपके वाटर को कैसे बचाया जा सकता है सेकेंडली मेकिंग राइट रियल जो है बेसिकली आपकी इस तरह की कम्युनिटी जो तो आपके इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपके मार्जिनलाइज कम्युनिटीज किस तरह से जो है वो पानी के राइट्स को अपने एक्सरसाइज कर सके उस चीज़ को ध्यान में रखिए वाटर और वुमेन फंड ये भी रखा गया है जिसके अंदर जो है वो एक पूरा मैकेनिज्म बना है कि इस तरह से सस्टेन वाटर सैनिटेशन को हम लोग आगे रख सकते हैं ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बताई ये इंडिया का देखिए ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है किस तरह से आपको रेडिश एरिया देखने को मिला होगा ये रेडिश एरिया जो है पूरा का पूरा ये आपके बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी कमी है। तो ये चीज़ लोकपाल क्लोजेड 68 परसेंट ग्राफ्ट कंप्लेंस अगेंस्ट ऑफिसर्स विदाउट एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लोकपाल कोई बता सकता है? एनीवन कि लोकपाल क्या चीज़ है, लोकायुक्त क्या चीज़ होती है, किससे रिलेटेड होते हैं ये? एनीवन इससे रिलेटेड है ये? वेल देखिए देश में जो है करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है लोकपाल है ना और उसका एक स्टेट के अंदर जो वर्जन होता है उसको कहते हैं लोकायुक्त इंडिया के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इनके लेवल तक जो है वो किसी भी ऑफिसर्स से पूछने की जो है वो हिम्मत नहीं रहती है वो क्वेश्चन कर सकें उस पर्सन को ऐसे क्या किया जाता है लोकपाल को अपॉइंट किया जाता है जो कि उसके पास में सारी पावर होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर तक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ही कंप्लेंट पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये पैसे कहाँ लगाए हैं और ये पैसे जो है उसका सही हिसाब नहीं दिया तो ये सारी तरह की जितने भी चीज़ें हैं वो आपके लोकपाल में आती हैं तो अभी रिसेंटली क्या चीज़ देखने को मिली है कि भाई लोकपाल क्लोजेज सिक्सटी एट परसेंट ड्राफ्ट कम्प्लेंट्स अगेंस्ट ऑफिसर्स विदाउट एक्शन लोकपाल ने जो है बेसिकली जो केस चल रहा था वहाँ पर जो है सिक्सटी एट परसेंट केस को बंद कर दिया है ये चीज़ देख करके कि भाई वहाँ पर वास्तव में कोई भी तरह का इस तरह की चीज़ें थी नहीं जो कि लोकपाल के एरिया के अंडर में आती हो या उसके जो Salary. Lokpal and Lokayukta Act 2013 provided for establishment of Lokpal at Union Lokayukta Act state perform the functions of an ombudsman and inquires into allegations of corruption against certain public functionaries it amended the Lokpal and Lokayukta Act 2013 Lokpal is a multi member body that consists of one chairperson and eight members each is a judicial member of ludh लोकपाल आइदर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इनको बनाया जा सकता है ये चीज़ें बेसिकली आपके से यहाँ पर रिलेटेड जर्मनी में ऑफर सेल ऑफ एडवांस सबमरीन्स टू एडवांस सबमरीन्स को जो है वो बेसिकली इंडिया को बेचने की यहाँ पे कगार चल रही है कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया को बेचने की वो बेटर से बेटर सब्सिडीज के साथ में जो है वो ये सबमरीन्स हमारे साथ में आए और इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए का प्रपोजल पहले भी रखा गया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर लेकिन इसको इतना नहीं माना गया था आज की डेट में इसको मानने की कोशिश की जा रही है इंडिया के पास में रिसेंटली जो सबमरीन आपको पता ही होगा आई एन एस जो है वो क्या नाम है उसका इंडियन सबमरीन का इंडियन सबमरीन का क्या नाम है, तो ते है और इंडियन सबमरीन का नाम क्या है कि इंडियन सबमरीन बेसिकली आईएनएस अरियंत है न्यूक्लियर चलती है ना न्यूक्लियर एनर्जी से जो है वो वर्क करती है वो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में काम करती है है ना ये आपकी आईएनएस अरियंत है विक्रांत जो है वो आपके एक विक्रांत बेसिकली आपकी कोई सबमरीन नहीं है विक्रांत जो है वो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर है ने? ये चीज वैकेंसीज़ ऑफ जजेज रिमेन हाई केसेस फाइल्ड अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इंडिया की जो जस्टिस रिपोर्ट है उसके अंदर ये चीज़ देखने को तो मिल रही है तो इंडिया में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जजेस की जजेज जितने काम करने चाहिए उससे एक्चुअली बहुत कम काम कर रहे हैं जैसे ट्वेंटी फोर थाउजेंड जजेस इंडिया के अंदर लोअर जुडिशरी में होना चाहिए कि की डेट में नाइन्टीन थाउजेंड के आसपास ही काम कर रहे हैं ये सेम चीज हाईकोर्ट के अंदर भी है कि भाई ग्यारह सौ से बारह सौ वन थाउजेंड वन हंड्रेड से लेकर के ट्वेल्व हंड्रेड तक के तो कोशिश की जा रही थी कि भाई इतने होने चाहिए इतनी

तो ये वैकेंसी जो है बढ़ती जा रही है और ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली केसेस को और ज़्यादा पाइलअप कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर और जजेस के ऊपर जिसे इसका अल्टीमेटली जल्दी जो है वो अगर हमने इलाज नहीं निकाला तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि भाई हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी भाई डिनाई कर रहे हैं हम लोग जस्टिस को क्योंकि अगर आप डिले करते हो चीज़ को तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ये डिनाइल जो है वो नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से काम होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन जो है वो देशों में मिलती है इनजैकियम सिस्टम मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसी के लिए हम लोग वापस को देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जजेस के के अपॉइंटमेंट लिए आर्टिकल 124 जो वो स्पेसिफिकली काम करता है जो कि कहता है अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कोर्ट एंड सुप्रीम इन इंडिया अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है कि आपकी नाइनटीन के बाद में जो है वो आपके एस गुप्ता केस होता है जिसके बाद में फर्स्ट जज केस होता है 1930, 1993 में जिसके अंदर ये बात कही जाती है कि भाई आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट के पास में जो एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता कि बाइंडिंग होगी जिनको वो बोलेंगे उनको जो है वो आपके रिकमेंडेशन करवानी पड़ेगी उसके बाद सेकेंड जजेस केस आया है सेकेंड आपके नाइनटीन नाइनटी के अंदर जिसके अंदर स्पेसिफिकली कोर्ट ने ये बात कही थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके चीफ जस्टिस नहीं बल्कि उनके साथ के जो लोग हैं ये जो चार सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको बिठा करके और बेसिकली ये बात पूछी कि भी किसको और जज बनाना चाहिए उसके हिसाब से जो है बेसिकली इंडिया के अंदर काम होगा इस सिचुएशन के अंदर ये जो सिस्टम था पूरा पूरा काफ़ी फ्लॉड तरीका का लगता था क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा काम जुडिशरी खुद ही करती थी तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था ऐसे सरकार ने कोशिश करी एनजैक बनाने की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है वो सारी मिल करके और कोशिश करेंगे कि जजेस को इंडिया में अपॉइंट करें एक पूरी कमेटी बनेगी उसके अंदर जिसके अंदर चीफ जस्टिस को भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री को भी लिया जाएगा इस सिचुएशन के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई आपकी एनजैक जो है उसके अंदर आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और अकाउंटेबिलिटी के साथ में सिस्टम है क्योंकि आज की डेट में कोली जिम के अंदर नहीं देखने को मिलता है इसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स है उनके लिए जो अपॉइंटमेंट है उसका सिस्टम बेसिकली इंडिया में क्या है कि भाई गवर्नर जो है वो इंडिया में अपॉइंट करता है आपके लोअर जुडिशरी जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट जज है ए डी जे का नाम तो आपने सुना होगा कि भाई ए डी जे होता है डी जे होता है या फिर आपके मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं तो उन सब चीज़ों के अंदर जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं आपके हाई कोर्ट से बात करके है ना इंडिया के अंदर एक बार ये सिस्टम बना था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जैसे आपके ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है या पुलिस सर्विस है जिसमें आई ए एस आई पी एस कहते हैं वैसे ही कोशिश की गई थी कि भाई इंडिया में जो है वो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज भी जो है वो शुरू हों है ना फोर्टी लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दी थी अल्टीमेटली जो 1976 में 312 आर्टिकल डाला गया स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के लिए कि वो इस तरह का लॉ बना सकती है ऑल इंडिया जुडिशल एग्जाम कराने के लिए लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई लॉ बना नहीं ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है आर्टिकल थ्री राज्यसभा का स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि भाई एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिससे कि जो है वो आपकी टू थर्ड मेजोरिटी जो है वो अगर लोग कह देते हैं उस चीज़ में तब जो है वो चीज़ें माननी चाहिए

रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यूज चल रहे हैं और उस एरिया के अंदर हम लोगों ने ये बात करी थी कि इस तरह से आपके जो एक अलायंस है नेटो नाम की जिसके अंदर किसी भी एक पर हमला अल्टीमेटली सब पर हमला माना जाएगा वो सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा खतरनाक रूप से जो है वो रशिया के सामने आ रही है कि जो ब्लू के अंदर आपको जितने भी देश दिख रहे हैं वो सारे के सारे देश जो है वो नेटो के मेम्बर हैं ऐसे में किसी एक पर भी हमला अल्टीमेटली इन सब देशों पर और साथ में यू पर हमला माना जाएगा इस तरह की चीज़ें ना हो इस चीज़ के लिए जो है वो रशिया भी कोशिश कर रहा है लेकिन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस चीज़ यू एस इस चीज़ के अंदर जो है वो थोड़े अलग चांसेस रखता है अभी हुआ ये है सिचुएशन आज की डेट में जो न्यूज़ है वो ये है कि ये जो फिनलैंड है फिनलैंड कहाँ है ये देखिए ये है फिनलैंड ये फिनलैंड भी जब कह रहा है कि वो भी जो है वो आपके मेंबर बनेगा नेटो का और नेटो के नेटो ने रिसेंटली इसको एक्सेप्ट कर लिया है एज अ मेंबर ऑफ देयर ग्रुप इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि फिनलैंड अगर इसके अंदर चला जाता है तो फिनलैंड की डायरेक्ट बाउंड्री लगती है आपकी रशिया के साथ में इसके अलावा एस्तोनिया लातवे लिथुआनिया भी जो है वो आपके ट्वेंटी सेवनटीन के अंदर मेम्बर्स बन गए थे ऐसे में जो जितने भी देश हैं सारे के सारे जो है वो अल्टीमेटली घिरता जा रहा है रशिया नेटो कंट्री से इसलिए कोई भी किसी के ऊपर भी अटैक करने का मतलब यही है कि भाई अल्टीमेटली बहुत बुरा इफेक्ट जो है वो देश पर खुद पर पड़ेगा रशिया के ऊपर तो ये चीज़ है नेटो जो है वो कब बना था तो 1949 के अंदर इसको बनाया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से जो है ये बना है वाशिंगटन ट्रीटी भी इसको बोलते हैं अप्रैल नाइनटीन फोर्टी यूएस कैनेडा और सेवरल यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर कि इसको बनाया था आज की डेट में थर्टी में थर्टी वर्ष जो है वो अभी बन रहा है आज की डेट में और इसके अंदर इतने देश जो है बेसिकली शुरुआत के अंदर members थे बाद में और देश जो है वो जुड़ते गए लास्ट जो है वो मॉन्टेग्रो ट्वेंटी सेवनटीन में जो है जोड़ा गया था फ्रांस ने जो है यहाँ से मिलिट्री कमांड के अंदर से जो है बाहर निकल गया था जो मिलिट्री कमांड है लेकिन बाद में वापस टू थाउजेंड नाइन में जुड़ गया था सब ये कहते हैं भाई इनमें से किसी एक पर भी हमला सब पे हमला माना जाएगा यानी कि यूएस के प्रोटेक्शन में बेसिकली यूरोपियन यूनियन रहेगा ये बात जो है मोटा मोटे रूप से यहां पर बोली गई है हेडक्वार्टर्स कहाँ है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर्स ऑफ एलाइड कमांड कहाँ है मोन्स बेल्जियम में फूड्स एक्सपोर्ट्स लाइकली टू हिट अ नाइन मंथ हाई इन मार्च मार्च के अंदर जो है गुड्स का एक्सपोर्ट फोर्टी बिलियन से ज़्यादा हो सकता है अल्टीमेटली साल भर का जो एक्सपोर्ट है वो फोर फोर्टी सेवन बिलियन से ज़्यादा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे फिगर्स हैं इंडिया में क्योंकि इससे पहले जो आ रखे हैं फिगर्स वो भी इस इतना ज़्यादा लेवल को टच नहीं कर पाए हैं तो इन्होंने जो टच किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है वो आपकी फिजिकल डेफिसिट की साथ में भी आपकी ये चल रही है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे देश के लिए यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है न्यूज़ इन शॉर्ट है तालिबान ऑर्डर्स बैन ऑन वुमेन स्टाफ इन अफ़ग़ानिस्तान फ्रॉम वर्किंग अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि भाई तालिबान जो उसने कंट्रोल कर लिया है आपके पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान को और वो शरीयत लॉ के हिसाब से काम करता है शरीयत लॉ के हिसाब से काम करने का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करेगा कि भाई जो भी चीज़ कुरान में लिखी हुई है उसके हिसाब से काम करे और यहाँ पर ये चीज़ लिखी इनका कहना है कि भाई वीमेन का वर्क करना कुरान को पसंद नहीं है और ऐसा जितने भी वीमेन काम करती है वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर उनको बैन कर दिया गया है कि भाई आप जो है वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन अमीर हैंड्रेड टू इयर्स बैन पुराने जो है वो आपके लाइट वेटेड वर्ल्ड चैंपियन थे अमीर खान इनको जो है वो रोक दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर जो है वो डोपिंग चार्जेस या इस तरह की चीज़ें लकी है और टेस्ट पॉजिटिव आया है इनका सब्सटेंस प्रोहिबिशन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस का तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इनके साथ में है तो ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने जो इंडिया के फोरकास्ट को गिरा दिया है और सिक्स पॉइंट फोर परसेंट पर ला दिया है जिसका रीजन उन्होंने बताया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स अब आज की डेट में कम हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अल्टीमेटली ग्रोथ कम देखने को मिलेगी तो ये था आज का हमारा न्यूज़ पेपर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई बात हो आपको पूछनी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं हम लोग उसका आंसर देंगे थैंक यू